दोस्तों नमस्कार, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। मैं राजूराम रेड्डा स्टडी एट होम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है हम ड्राइवर पार्ट की तैयारी करवा रहे हैं और स्टडी एट होम हमारा ड्राइवर का ऐप है। और दोस्तों आज हम इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं, रोड साइन। क्या सीखने वाले साथियों, रोड साइन। आप कहोगे सर ये जो साइन होते हैं रोड संकेत होते हैं, अब साथियों यहां पर इनको सीखने की क्या आवश्यकता है। भैया आवश्यकता पक्की है। आज हम यहां पर साथियों आईआरसी जो यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा यहां पर जो जारी संकेत है इनके बारे में, इंडियन रोड कांग्रेस इनके द्वारा जो जारी आपके साइन है उनको यहां पर दोस्तों देखेंगे। अब ये आईआरसी क्या है दोस्तों, जो संकेत होते हैं, संकेत के प्रकाशन का काम पूछ ले तो ये संकेत का प्रकाशन कौन करता है साथियों, यही आरसी करती है। वर्तमान में मैं बात करता हूं आईआरसी के द्वारा 67 कोड के 2012 में जो संकेत जारी किए गए थे वो अभी प्रचलन में है और इसी के जो संकेत है यहां पर आप सभी यहां पर पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सारे के सारे संकेत है यहां पर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप अपने जो अच्छे मित्र होते हैं उनके पास में आप इस क्लास को जरूर भेज देना। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो क्रेश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेश कोर्स में हम मात्र 15 से 16 घंटा में आपका जो ड्राइवर पार्ट का पूरा कोर्स है उसको रिवाइज करवाएंगे। मात्र आपका 15 से 16 घंटा, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आप उनको पढ़कर और वीडियो क्लास सॉल्यूशन के माध्यम से अच्छे तरीके से आप इन क्लासों के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस है वो रिकवर कर पाएंगे। मैं राजूराम बेटा आपसे वादा करता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये आज मेरी जो वॉइस है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और एग्जाम के बाद में आप मुझे दिखा देना कि सर देखो आपने ये कहा था और एग्जाम हमारा इस टाइप से हुआ है, ये इतना मैं वादा कर सकता हूं। इसके ज्यादा मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए हो रही है। बाकी देखो आपको जुड़ना न जुड़ना, कहां से पढ़ना है कहां से नहीं पढ़ना है ये आपका स्वयं का निर्णय है। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। सबसे पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। यहां पर आप क्या देखते हैं, स्टॉप देखते हैं बैकग्राउंड में। साथ में आपको बता देना चाहता हूं यहां पर जो संकेत होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन से, मैं आपको यहां पर सबसे पहले बताना चाहता हूं संकेत के जो तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आदेशात्मक। कौन सा होता है, आदेशात्मक। यह हो गया आदेशात्मक। नंबर दो होता है चेतावनी, सभी जानते हैं लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है। नंबर तीन सूचनात्मक संकेत, सूचना यानी इंफॉर्मेटिव। तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो आपके आदेशात्मक संकेत है इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है निषेधात्मक यानी जो किसी काम को करने से निषेध यानी मना करते हैं। एक आज्ञात्मक जो किसी काम को करने के लिए हमें आज्ञा देते हैं। इसके अन्य नामों की बात करें तो अधिदेशात्मक, नियामक, विनियामक, ये इस प्रकार के नामों से भी इसको जाना जा सकता है। जैसे अनिवार्य है, रेगुलेटरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, बहुत सारे नाम हैं। चेतावनी जो संकेत होते हैं साथ ही इन्हें सावधानी संकेत भी बोला जाता है, सावधानी संकेत के नाम से भी जाना जाता है। और ये साथियों किस में होते हैं, त्रिभुज में बने होते हैं। ये जो आपके आदेशात्मक संकेत होते हैं गोलाकृति में होते हैं। सूचनात्मक संकेत है, ये सूचना प्रदान करते हैं, सुविधा की स्थिति बताते हैं, क्या सुविधा सड़क के किनारे है और कौन सी है, सुविधा संकेत इनको बोला जाता है। सुविधा में सावधानी में थोड़ा सा आपको अंतर करना है और ये हमेशा चौकोर आकृति में यानी कि वर्ग या आयत के अंदर बने होते हैं। शुरू करते हैं आज का ये पहली स्लाइड। आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहला साइन है स्टॉप लिखा है और यहां पर दोस्तों यहां पर देख रहे हैं यहां पे लिखा है 750 में। इसका कलर है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे लिख रखा है कि भी इसका जो हाइट होता है यहां पर 750, 900 और 1200 इस प्रकार से लिखा है। यानी कि ये छोटे के लिए है, ये मीडियम के लिए और ये आपके बड़ा जो संकेत होता है उसके लिए होता है। ये इसमें एमएम के अंदर क्या दे रखा है, एमएम के अंदर इसकी माप दे रखी है। तो ये पीडीएफ आपको सभी को, हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी होम है इसके अंदर आपको सभी को फ्री में इसकी पीडीएफ है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसको विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं और आराम से इन चीजों को है वो आप पढ़ सकते हैं साथियों। तो यहां पर ये क्या दे रखी है, ये इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो यहां पर दोस्तों अमूमन जो रोड संकेत होते हैं उनकी बात करूं तो मैं 40 mm, 60 mm और 90 mm यानी कि mm के अंदर ये होता है, सॉरी 400, 600 और 900 mm।
900 mm में बात करेंगे तो 100 के अंदर आएगा, 2-3 डिजिट में आएगा। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इस प्रकार से होता है। लेकिन जो आपका ये स्टॉप संकेत है थोड़ा सा इसका आकार बड़ा होता है, 750, 900, 1200, इसका मतलब होता है रुके, यानी कि आपको रुकना है, रुकने के बारे में कह रहा है। तो ये स्टॉप संकेत के बारे में आप जान लिया होगा। नंबर दो है गिव वे, यानी कि रास्ता दे, गिव वे यानी रास्ता दे, इसको यील्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? यहां पर YIELD, यील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब चौराया आता है वहां पर आपको दूसरे वाहनों को यहां पर क्या देना होता है? रास्ता देना होता है। नंबर आपके ये साइन आया है, आप देख रहे हैं बैलगाड़ी बनी हुई है, इसका मतलब है बैलगाड़ी निषेध। मैंने समय की बचत करने के लिए नाम पहले से लिख दिए हैं, यह आपके समय की बचाने के लिए है। हाथ है, हाथ, एक आदमी हाथ से एक गाड़ी चला रहा है, मतलब हाथ ठेला हो जाएगा, हाथ ठेला निषेध हो जाएगा। कोई भी आकृति है, गोल आकृति बनती है और उसमें क्रॉस बना होता है, तो दोस्तों इस क्रॉस का मतलब क्या है? उस कार्य को करने से हमें मना किया जा रहा है। मना करने का मतलब है निषेध है, यानी कि मनाही होती है। तो मतलब कि ये संकेत जो है आपके निषेधात्मक संकेत हैं। अभी मैंने बताया था कि यहां पर जो संकेत होते हैं आदेशात्मक दो प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक और आज्ञात्मक। जो जिनमें दोस्तों निषेधात्मक कौन से होते हैं? जिनमें मतलब कि क्रॉस किया हुआ होता है, वो निषेधात्मक संकेत होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, ये हाथ ठेला हो जाएगा, ये घोड़े पर बैठा है, काट दिया गया, मतलब घुड़सवारी क्या है? निषेध है। यहां पर आपके हाथ ठेला, हाथ गाड़ी भी है और आपकी बैलगाड़ी भी है, तो दोनों निषेध हो जाएंगे। यहां पे आप देखते हैं तांगा है, तांगा गाड़ी निषेध हो जाएगी। या कारवा, कारवा की अनुमति नहीं। कारवा किसे कहते हैं? जिसमें एक के पीछे एक, एक के पीछे 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 पीछे, इस प्रकार से एक लंबी गाड़ियां से जुड़ी होती है, वो कारवा होता है। और इसको अंग्रेजी में कारवा नॉट अलाउड, कारवा नॉट अलाउड बोला जाता है। यहां पर आप देखते हैं बसेज प्रोहिबिटेड, इधर आ जाता हूं मैं, बसेज प्रोहिबिटेड यानी बस निषेध हो जाएगा। ट्रक प्रोहिबिटेड, ट्रक है तो ट्रक निषेध हो जाएगा। ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी कि निर्माण वाहन निषेध हो जाएंगे, यानी जो निर्माण कार्यों में काम आते हैं। इधर चलते हैं हम, यहां पे कार प्रोहिबिटेड यानी कि कार निषेध है। यहां पे ट्रैक्टर प्रोहिबिटेड यानी कि ट्रैक्टर का निषेध किया गया है। अंग्रेजी में बात करते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स मूवमेंट प्रोहिबिटेड, यानी कि यौगिक वाहन निषेध, यानी कि जो जुड़े हुए वाहन होते हैं उनको यहां पर निषेध बताया गया है। तो ये इसका संकेत है। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले आप इधर क्या देखते हैं? यहां देखते हैं मोटरसाइकिल है, यानी टू व्हीलर प्रोहिबिटेड, तो टू व्हीलर टू पहिया निषेध हो जाएगा। हॉर्न प्रोहिबिटेड, तो हॉर्न निषेध हो जाएगा। एक तरफा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर दो एरो थे, एक एरो को काट दिया गया है, तो एक एरो बचा, तो इसको एक तरफा संकेत, एकांगी मार्ग, एक दिशा में यान प्रतिबंध है। तीन अर्थ इसके होते हैं, तीनों आपको सीखने हैं। एक तरफा मार्ग, एकांगी मार्ग और एक तरफा यान प्रतिबंध, यानी कि जो ये साइड है इधर से आएंगे तो आपका यान पर प्रतिबंध है, आप नहीं आ सकते। इधर इस साइड में चलते हैं साथियों, यहां पर देखते हैं तो क्या है? साइकिल लेन जो है, साइकिल को निषेध किया गया है। यह आपकी क्या है, मतलब एक व्हाइट एरो है रेड बैकग्राउंड में, तो ये प्रवेश निषेध यानी कि नो एंट्री का संकेत होता है। मैं बता देता हूं, नो एंट्री का संकेत ये भी नो एंट्री का होता है। एक एरो गया, इसको काटा, ये भी नो एंट्री का होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीजें आप आराम से सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यहां पर आप सभी को पता है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी बाएं मुड़ना क्या है? निषेध बताया गया है। आगे देखते हैं, यहां पर दाएं मुड़ना निषेध बताया गया है, ये यू टर्न निषेध है। ध्यान से देख लो, यू टर्न निषेध का संकेत एक आदेशात्मक निषेधात्मक संकेत है। यहां पर देखते हैं, एक गाड़ी सीधी जा रही है, एक आगे निकलने का प्रयास कर रही है और इसको काट दिया गया है, मतलब कि ओवरटेकिंग क्या होती है? निषेध होती है। यहां पर क्या है? यहां पर दोस्तों गोल आकृति है, एक तो यू टर्न है और एक ऐसा करके ऐसे भी जा रहा है, मतलब क्या है? आपको दाएं मुड़ना व यू टर्न लेना दोनों एक साथ क्या है? निषेध होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या है? प्रायोरिटी टू व्हीकल्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, यानी कि जो सामने से व्हीकल आ रहा है उसको आपको प्राथमिकता देनी है, यानी ऑपोजिट साइड से जो व्हीकल आता है उसको प्राथमिकता देनी है। अगली साइड है, यहां पर एक गोल आकृति है, सभी को पता है गोल आकृति होगी, एक रेखा होगी तो मतलब कि पार्क नहीं करना, एक और आ गई तो पार्क करना और खड़ा करना दोनों मना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? केवल खड़ा करना निषेध। इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो गड़बड़ होगी। अब ठीक है, खड़े रहना निषेध हो जाएगा। यहां पे पार्किंग निषेध हो जाएगा, ये पार्क पी है,
पी यानी पार्किंग, काटना मतलब पार्किंग निषेध हो जाएगा। यहां पे क्या है, पी बनाया गया है, कार बनाई गई है, और यहां पार कार के नीचे क्या है साथियों, यहां पे कार के नीचे है, आप देखते हैं यहां पे क्या बना हुआ है, यहां पे फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ पे कार है, कार के ऊपर पी है, इसको काट दिया गया है। मतलब क्या हुआ, आप फुटपाथ पर कार को पार्क नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, फुटपाथ पर कार को पार्किंग है वो क्या होती है, निषेध होती है साथियों। यहां पर आप क्या देखते हैं, एक गोल चक्कर है, एक क्रॉस इधर है, एक क्रॉस इधर है, तो मतलब कि खड़ा करना और पार्क करना क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो आपको यहां पर इन सभी चीजों को है वो ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, यहां पर दोस्तों पार्किंग नॉट अलाउड ऑन हाफ ऑफ फुटपाथ, आधे फुटपाथ पर भी गाड़ी करना क्या है, निषेध हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अगला चिन्ह, अगली स्लाइड आ गई है, एक एक्सल बनी गई है, एक ऐसे पहिया, एक ये एक्सल जोड़ रही है, और यहां पर एरो के माध्यम से एक संकेत कर रहा है, ऊपर चाटी बनाया गया है। मतलब क्या है, ये एक्सल भार बताता है, क्या बता रहा है, एक्सल भार सीमा। ये क्या बता रहा है साथियों, ये ट्रक है और एरो क्या जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब ट्रक की क्या बता रहा है, लंबाई बता रहा, लेंथ लिमिट हो जाएगा, यानी लंबाई सीमा। ये क्या बता रहा है, इसमें एरो साथियों यहां पे क्या आ रहा है, अंदर की ओर आ रहे हैं, लंबाई में तो बाहर की ओर जा रहे थे, मतलब लंबाई बाहर जाना, चौड़ाई मतलब कि अंदर आना, तो ये विड्थ लिमिट हो जाएगा, मतलब कि चौड़ाई सीमा हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं, ठीक है, हाँ, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये आपका हो गया चौड़ाई सीमा। यहां पर है आपके एक एरो नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऊंचाई सीमा, हाइट सीमा हो जाएगी। यहां पर है लोड लिमिट, 5 बनाया गया है, टी बनाया गया है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 टन की लोड लिमिट है, मतलब कि लोड लिमिट की ओर निगेट कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 है, गोल चक्कर है, यहां पर साथियों रेड सर्कल में 50 बनाया गया है, 50 ब्लैक कलर में है, बैकग्राउंड कैसा, व्हाइट है। तो यहां पर पूछ रहे क्या है, जो ये बाहरी भाग है साथियों, ये तो बॉर्डर होता है, इसके अंदर जो होती है उसे दोस्तों पृष्ठभूमि बोला जाता है, और जो इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह का संकेत भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या है, रेड है, बैकग्राउंड कैसा है आपके, व्हाइट है, ये आपका व्हाइट हो गया, और ये आपका जो मतलब कि संकेत किस में बना हुआ है, ब्लैक में बना हुआ है, BLAC के। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपका स्पीड यानी अधिकतम गति सीमा, आपको इस गति से अधिक गति पर वाहन का प्रयोग नहीं करना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पर एक संकेत और नई स्लाइड आ चुकी है। यहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं, यहां पे स्पीड लिमिट है साथियों, यहां पे क्या है, यहां पे हो जाएगा स्पीड लिमिट, क्या हो जाएगा, यहां पे स्पीड लिमिट का है, यहां पे स्टॉप पुलिस, यहां पे हो जाएगा स्टॉप पुलिस का मतलब क्या है, स्टॉप फॉर पुलिस चेक, यानी कि पुलिस के चेक करने के लिए रुकना है आपको। यहां पे आप देखते हैं एक एरो जा रहा है सामने, एक साइड में जा रहा है, मतलब कि अनिवार्य सीधे जाना है या दाएं आपको क्या करना है, मुड़ना है। यहां पे अनिवार्य सीधा चले, यानी कि केवल एरो किधर जा रहा है, केवल ऊपर जा रहा है, एकदम सिंपल है, ज्यादा आपको यहां पर यानी कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको सोचने विचारने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल साइन है साथियों यहां पे। तो यहां पर ये सारे के सारे संकेत हैं, इनके नाम मैंने पहले से लिख रखे हैं, जिस कारण हमें समय की हमारी थोड़ी सी यहां पे बचत होगी। तो यहां पर अगला साइन हम देखते हैं, अनिवार्य सीधा या बायां मोड़, अनिवार्य सीधा या बायां मोड़, यानी कि एक ऊपर जा रहा है, एक बायां मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिवार्य सीधा या बायां मोड़, ये केवल साइड में जा रहा है, मतलब अनिवार्य बायां मोड़। और दोस्तों यहां पे ये किस सर्कल में है, गोल आकृति में है, ब्लू सर्कल में आए हैं, मतलब कि ये हमें आज्ञा देते हैं किसके लिए, किसी कार्य को करने के लिए। ये क्या है, आगे जाकर इधर मुड़ रहा है, मतलब आगे अनिवार्य बायां मोड़ है, आगे अनिवार्य बायां मोड़ है, जिसमें साथियों ये ब्लू सर्कल आ जाए, कैसा सर्कल आ जाए, ब्लू सर्कल आ जाए, ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, अनिवार्य, ब्लू क्या मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का कोड का मतलब ही आप अनिवार्य समझ लेना, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या है, यहां पे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब अनिवार्य दायां मोड़। ये आगे जाकर ऐसे है तो आगे अनिवार्य दायां मोड़, ये क्या है, इधर जा रहा है एरो, तो मतलब कीप लेफ्ट है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट, यानी अनिवार्य बाएं रखें, अनिवार्य बाएं रखें। अगला प्रश्न आपके आगे है, यहां पे एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब कि अनिवार्य दाएं रखें। यहां पे एक ब्लू सर्कल के अंदर 50 बनाया गया है, मतलब कि ये न्यूनतम गति है, मिनिमम स्पीड लिमिट है, मतलब न्यूनतम गति सीमा। यहां पे एक पैदल यात्री चल रहा है,
और दोस्तों साथ में साइकिल भी है, तो यहां पर अनिवार्य साइकिल व पैदल पार मार्ग हो जाएगा, यानी पैदल यात्रियों के लिए और साइकिल के लिए क्या है यहां पर रास्ता दिया गया है। यहां पे क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब दोनों में से क्या करना है, एक साइड में आपको रहना है। यहां पे साइकिल बनाई गई है, मतलब कि साइकिल अनिवार्य साइकिल ट्रैक है या साइकिल केवल यहां पे चल सकती है, केवल साइकिल यहां पे चल सकती है। यहां पे एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है, मतलब केवल पैदल पारपथ है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान से इनको देखना है। यहाँ पे एक टायर बनाया गया है और टायर के ऊपर क्या बनाया गया है, इस प्रकार से चेन बनाई गई है और ये चेन क्या इंडिकेट करती है कि जब बर्फीले क्षेत्र हो चाहे कोई फिसलन भरे क्षेत्र हो वहां पर आपकी गाड़ी फिसले नहीं, इसके लिए यहाँ पे क्या है स्नो चेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो टायर होता है इसके ऊपर एक लोहे की चेन लगा दी जाती है जिससे क्या है आपका टायर है गाड़ी का वो फिसलेगा नहीं और गाड़ी आराम से निकल जाती है। तो अनिवार्य स्नो चेन हो जाएगा, स्नो चेन का मतलब है फिसलन से बचाने के लिए। यहाँ पे आप देखते हैं, देखो ये क्या है, इस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ पे देखो ये बनी हुई, इस पे क्या स्नो चेन बनाया गया है, मतलब कि इसे गाड़ी क्या फिसलेगी नहीं। ये आपके क्या है, ये आपका कंपलसरी हॉर्न साउंड है, यानी कि अनिवार्य हॉर्न है, आपको बजाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बस लेन है, तो ये बस आपको यहाँ पर बस लेन के बारे में बता रहा है कि केवल बस चल सकती है। अगली स्लाइड है, यहाँ पे बायां मोड़ आया है, घुमाव आया है, यहाँ पे दायां मोड़ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एकदम मुड़ा हुआ है तो दायां हेयरपिन बैंड है, हेयरपिन किसे कहते हैं, हेयरपिन पूरी मुड़ी हुई होती है ना ऐसे चिमटे के जैसे, तो यहाँ पे चिमटा मोड़ भी कह सकते हैं साथियों, इसको आप चिमटा मोड़ भी कहा जा सकता है। ये आपके क्या है, चिमटा रोड बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके राइट रिवर्स बैंड, ये लेफ्ट रिवर्स बैंड, यानी कि ये दायां उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ यानी कि रिवर्स बैंड, क्या हो जाएगा रिवर्स बैंड, यानी एक बार सीधे जाना वापस मुड़ना वापस जाना, यानी कि सीधे वापस सीधे, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा बायां उल्टा घुमाओ, बायां उल्टा घुमाओ हो जाएगा, ये रिवर्स बैंड हो जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक तो होता है आपके मतलब कि इस टाइप से, तो इसको बोला जाता है कार्वे, कार्वे यानी मोड़ और मोड़ यानी घुमाओ, ये तीनों इसके मतलब हो सकते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, एक साथ ही यहाँ पर होता है पूरा पूरा यू की तरह मुड़ा हुआ, यानी कि हेयरपिन बैंड, हेयरपिन बैंड हो जाएगा, हेयरपिन बैंड। एक हो सकती है कैंची मोड़ या चिमटा मोड़, ये तीनों आपको याद रखना है, चिमटा मोड़। एक आपके होता है यहाँ पे त्रिभुज के अंदर ही, ऊपर गया वापस आया वापस गया, मतलब कि रिवर्स बैंड या उल्टा घुमाओ, इसको कहा जाता है उल्टा घुमाओ, तो आपको थोड़ा सा इसको भी ध्यान है वो रखना साथियों। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बार ऊपर गया वापस आया वापस आया, यानी कि ये सीरीज ऑफ बैंड से, यानी लगातार घुमाव आ रहा है सड़क पे, लगातार घुमाव श्रृंखला बार बार है, वो मोड़ आ रही है। ये क्या है, एक मोटी सड़क है और यहां से छोटी सड़क आ रही है, मतलब क्या है साइड रोड राइट में क्या है छोटी सड़क है। इंटरसेक्शन कौन सा है, यहां पे वाई इंटरसेक्शन बना हुआ है। यहां पे देखते हैं डिग्री लूप, यानी कि यहां पे पूरा का पूरा क्या है मार्ग मुड़ा हुआ है, मुड़कर वापस यही आ रहा है आगे जाकर, तो इसे डिग्री लूप कहा जाता है। यह आपका हो गया मोटी सड़क है और मोटी सड़क से छोटी सी सड़क साइड में है, साइड रोड लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि साइड रोड बायां। ये वाई बना हुआ है, ये वाई है आपके किस साइड में, लेफ्ट में, ये राइट में है, दोनों वाई इंटरसेक्शन है। यहां पे देखते हैं वाई है, एकदम सीधा वाई दिख रहा है। यहां पे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट को साथ ही गोल चक्र भी बोला जाता है, गोल आकृति में बना होता है ये। रोटरी चौराहा भी इसको बोला जाता है, रोटरी, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये गोल चक्र हो जाएगा, इसको चक्रवात भी कहा जा सकता है, चक्रवात मार्ग। टी इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि टी बना हुआ है, टी के टाइप का, यहां भी टी बना हुआ है, लेकिन एक सामने जो सड़क है वो मोटी है, क्या है सामने तो मोटी है और यहां पे क्या छोटी है, तो यह मेजर रोड अहेड, यानी टी इंटरसेक्शन में मेजर रोड अहेड हो जाएगा। यहां पे क्या है त्रिभुज के अंदर है,
त्रिभुज के अंदर क्या बनाया गया है, आपके क्रॉस बनाया गया है, मतलब कि क्रॉस है, क्या है क्रॉस, क्रॉस को क्या कहते हैं, चौराहे को कहते हैं। चौराहा क्या होता है, जहां से एक सड़क उसके ऊपर से निकलती है, आर पार निकलती है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन ये सड़कें दोनों बराबर होनी चाहिए, एकदम छोटी एक मोटी है, तो यहां पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहां पर स्थिति वो एक क्षण आया था शायद, चलो आगे आएगा, कोई बात नहीं अभी आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, ये आपका ट्रैफिक लाइट हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में सबसे ऊपर रेड होता है, बाद में येलो होता है, ग्रीन होता है, एक नंबर ग्रीन ऑन होती है, दो नंबर ये होती है, तीन नंबर रेड होती है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन यानी चलते रहो, आपके येलो यानी पीली बत्ती होती है तो आपको रुकना है और हरी बत्ती होने का इंतजार करना है, और अगर आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो आपको चौराहे को खाली करना है। रेड लाइट का मतलब क्या है, आपको रुकना ही है कहां पर, स्टॉप लाइन से पहले, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, यहां पे आप देखते हैं सामने क्या एक मोटी सड़क है, इस मोटी सड़क को पतली सड़क क्या कर रही है, पार कर रही है, मतलब कि मेजर रोड अहेड, मेजर रोड अहेड, सामने क्या है बड़ी सड़क है, लेन मर्ज राइट, यहां पे क्या हो रहा है, एक राइट साइड से आके लेन मर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक मार्ग यहां से जा रहा था और दूसरा लेन आके क्या मर्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके मर्जिंग ट्रैफिक एड फ्रॉम राइट। ये क्या हो जाएगा, आगे से क्या है, आगे से तो संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है, मतलब कि सामने क्या है नेरो रोड अहेड, यानी कि आगे संकड़ा रास्ता हो जाएगा। यहां पे क्या है, लेन मर्ज का है, वहां पे तो क्या था, यहां तो लेफ्ट से हो रही है, यहां से राइट से हो रही है, ये भी लेन मर्ज का संकेत होता है। यहां पे क्या है, यहां पर लगातार क्या है, मार्ग साइडों से मिल रहे हैं, तो स्टेजर्ड इंटरसेक्शन इसे बोला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहां पे आप क्या देखते हैं, नीचे से पतला है, आगे जाके चौड़ा हो रहा है, मतलब कि रोड वाइड्स, यानी कि आगे सड़क चौड़ी है, क्या है, आगे सड़क चौड़ी है। यहां पे क्या है, यहां पे चौड़ी की बात आई है, तो यहां पे भी देख सकते हैं आप, यहां पर यानी आगे से आगे तो ऐसा है और पीछे ऐसा है, यानी दोनों साइड से चौड़ा, बीच से संकड़ा, मतलब कि नेरो रोड क्या है, नेरो ब्रिज, आगे संकड़ा पुल है, क्या है, आगे संकड़ा पुल है। यहां पे क्या है, कार नीचे आ रही है, क्या, कार नीचे आ रही है, मतलब ढलान रास्ता हो जाएगा। यहां पे कार ऊपर जा रही है, मतलब कि चढ़ाव रास्ता हो जाएगा। यहां पे क्या है, एक लेन आ रही है, एक जा रही है, दूसरी लेन आके इसकी साइड में मुड़ रही है, मतलब कि क्या है, रेड्यूस्ड कैरिज वे लेफ्ट लेन है, यानी कि जो कैरिज वे यानी होता है मार्ग, और इस मार्ग में जो लेन थे साथियों उसकी में कटौती की गई है, उसमें कमी की गई है, उसको रेड्यूस किया गया है। यहां में लेन की जो संख्या है इनमें कटौती करना, यहां पे क्या है, लेन कटौती मार्ग लेफ्ट में है और यहां पर क्या है राइट में है, दोनों में ये फर्क है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे नीचे से क्या पतला है, ऊपर से चौड़ा है, मतलब आगे क्या है दोहरा मार्ग प्रारंभ हो रहा है, और बीच में एक रेखा है, यानी कि यहां पे तो ऐसा है और आगे जाके ऐसा कर दिया और बीच में ऐसे रेखा बना दी, मतलब यहां तो क्या था, एक था, लेकिन यहां पे एक और दो, मतलब कि ड्यूल जो मार्ग है वो प्रारंभ हो गया है। यहां पे क्या है, पहले ड्यूल था, एंड ऑफ ड्यूल कैरिजवे, दोहरे मार्ग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां पे क्या देखते हैं आप, पट्टी गैप इन मीडियन, यानी मध्य पट्टी में गैप और यहां पे मध्य में अंतराल, इसको दोस्तों मध्य में अंतराल भी कहा जा सकता है, मध्य में अंतराल। तो ये कहां होता है, जहां पर यू टर्न लेने का प्रावधान होता है उसके आसपास होता है, एक फुटपाथ बना हुआ है और पैदल यात्री जा रहा है, पैदल यात्री क्रॉसिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पे आप देखते हैं स्कूल अहेड यानी आगे विद्यालय, बच्चे हैं, हाथ में बैग है और जा रहे हैं, मतलब कि ये स्कूल जा रहे हैं भैया, और स्कूल का जीवन कितना मजा आता था, स्कूल में पढ़ाई करने में, गुरुजी की मार खाने में और याद करने में, सब कुछ घर से एक टिफिन ले जाना, वहां जाके खाना, नहा धोकर एकदम टनाटन पूरे के पूरे बाबू बन के जाना और आराम से पढ़ाई करके वापस आ जाना, घर वाले जाते समय लाड प्यार करना, आते समय लाड प्यार करना कि मेरा बच्चा स्कूल जाके आया है, तो आपको भी स्कूल का जीवन याद आया होगा और कितना मनोरम दृश्य होता था, कितना मजा स्कूल में आता था, कितना अच्छा लगता था छोटे छोटे बच्चों के साथ में मिलजुल कर खेल कर, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करके। तो दोस्तों आपका जो भी स्कूल का जीवन है, आपका स्कूली जीवन आपको याद आता है या नहीं आता है, आपको अपने स्कूली जीवन में और वर्तमान का जो आपका टाइम है इनमें से अच्छा कौन सा लगता है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा यह आप बताने का कष्ट करें। यहां पर क्या देखते हैं, यह आपका पैदल क्रॉसिंग हो गया, यहां पर बिल्ट अप एरिया का मतलब है निर्माण क्षेत्र सामने है, यानी कि आगे आबादी क्षेत्र भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, आगे क्या है आबादी क्षेत्र,
क्या है? आबादी क्षेत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे क्या है, एक एरो जा रहा है एक आ रहा है, मतलब टू वे ऑपरेशन, यानी कि दोहरा मार्ग हो जाएगा। यहां पे एक लेन जा रही है, एक लेन को जाके क्लोज कर लिया गया है, मतलब कि यहां पे लेन क्लोज्ड हो जाएगा। टू लेन में दो लेन थी, दो में से एक को काट लिया गया, मतलब कि लेन क्लोज कर दी गई है। यहां पे क्या है, तीन लेन है, एक को क्लोज किया गया है, तो लेन क्लोज फोर लेन। चार थी, चार में से एक को काट दिया। यहां तीन थी, तीन में से एक को बंद कर दिया, यानी तीसरे लेन मार्ग में। यहां पे क्या है, ट्रैफिक डाइवर्जन ऑन ड्यूल कैरिजवे, दोहरा मार्ग था लेकिन यहां पर ट्रैफिक को क्या है, डाइवर्ट किया गया है, यानी मोड़ा गया है। ट्रैफिक को मोड़ना ये कह सकते हैं, लेन डाइवर्ट करना या ट्रैफिक को मोड़ना कह सकते हैं आप। तो यहां पर ये क्या है गुरुजी, यहां पर एक एरो जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और आपके यहां पर क्या होता है, यानी आप जहां पर जा रहे हैं उसके सामने एक ऐसा स्थान आने वाला है जहां से एक दोहरा मार्ग गुजर रहा है। और दोहरे मार्ग पर आपको पता है गाड़ियां ज्यादा रहती है, यह आपके लिए चेतावनी होता है कि आपको अपने वाहन पर नियंत्रण रखना है। सामने क्या आ रही है, सामने एक टू वे ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड अहेड वार्निंग संकेत आपके होता है, यानी सामने दोहरा मार्ग क्रॉसिंग चेतावनी आपके होती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आदमी काम कर रहा है, मैन एट वर्क, यानी आदमी काम पर है। यहां पे आप क्या देखते हैं, एक खोपड़ी, एक कंकाल खोपड़ी है, कंकाल खोपड़ी के नीचे क्रॉस का बना चिन्ह बना हुआ है, और ये क्या मतलब होता है आप जानते होंगे, यानी डेंजर वार्निंग, यानी कि खतरनाक चेतावनी, खतरे की चेतावनी आपको बताता है। यहां पे बहरे लोग, यहां पे बहरे लोग सड़क मार्ग आगे होता है, यानी कि त्रिभुज बना हुआ है साथियों, त्रिभुज में एक गोल चक्कर जिसके अंदर तीन और गोले बनाए गए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, डीप पर्सन, डीप यानी बहरा। यहां पे क्या है, यहां पे एक त्रिभुज के अंदर चार गोले बने हुए हैं, ब्लाइंड पर्सन लाइकली अहेड रोड, यानी कि जहां पर ब्लाइंड है यानी कि अंधे लोगों का स्थान है सामने आ रहा है। यहां पे देखते हैं साइकिल क्रॉसिंग, यहां पे क्या है, साइकिल के नीचे क्या बना हुआ है, डैश 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 बने हुए हैं, मतलब साइकिल के लिए क्या है, क्रॉसिंग है। यहां पे क्या है, ये साइकिल बनी हुई है और साइकिल के अंदर कुछ भी नहीं है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल रूट अहेड है, यानी साइकिल के लिए मार्ग है, साइकिल सामने साइकिल मार्ग हो जाएगा, और ये क्या है, साइकिल क्रॉसिंग हो जाएगा। साइकिल के लिए मार्ग होना, साइकिल के लिए क्रॉसिंग होना, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर होता है। अगले पेज पे चलते हैं। यहां पे क्या है, एक ऐसा बना हुआ है, ऐसा क्योंकि खतरनाक गहराई है, मतलब कि डेंजरस डिप, यानी कि खतरनाक गहराई। यहां पे क्या देखते हैं, रंबल स्ट्रिप, आप रोड पे चलते हैं तो आजकल एक नया ट्रेंड आया है, रोड के ऊपर पतली पतली धारियां सी बनाई जाती है, येलो या व्हाइट कलर में, गाड़ी जैसे ही इनके ऊपर से गुजरती है तो गाड़ी गड़गड़ 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 करती है, यानी कंपायमान करती है, जिससे कि गाड़ी को धीमा करना पड़ता है। यहां पर मोटा जो ब्रेकर लगाया जाता है इसका प्रयोग यहां पर नहीं होता है, इससे बेटर यह होता है क्योंकि गाड़ी को झटका भी नहीं लगता और गाड़ी को धीमा भी करना पड़ जाता है। तो यहां पर रंबल स्ट्रिप दोस्तों, इसको जो रबड़ बोलते हैं, रबड़ बोलने वालों के लिए सावधान आपको रहना है, यहां पर ध्यान से आपको सीखना है। रंबल स्ट्रिप मैंने बता दिया, लगातार क्या होता है, लगातार सड़क पर क्या होती है, इस प्रकार से रंबल, जो रंबल है वो स्ट्रिप लगाई जाती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और आपके जो आपके प्लास्टर वो पेरिस होता है उसकी भी बनाई जाती है, व्हाइट कलर में या आपके येलो कलर में। यहां पे क्या है, खतरनाक खाई, डेंजरस डिच, डी चेन क्या होता है साथियों, यहां पे क्या हो जाएगा, खतरनाक खाई इसका जवाब है साथियों हो जाएगा। साइड में आप क्या देखते हैं, यहां पे आप देखते हैं स्पीड ब्रेकर, यानी एक माथा जिसमें है, एक माथा जिसमें होता है उसका क्या मतलब होता है, एक माथा का तो आपके होता है स्पीड ब्रेकर, और एक से ज्यादा होता तो क्या होता साथियों, हाँ तो यहां पर मैं बता रहा था, यहां पे एक माता है, यानी कोई एक ऐसा ब्रेकर है जहां पे क्या एक माता है, एक माते का मतलब स्पीड ब्रेकर होता है, यानी गति अवरोधक होता है, और एक से ज्यादा हो गए तो यहां पर ये रंबल स्ट्रिप हो जाएगी और ये अव्यवस्थित रूप से हो जाएगी, तो ये रफ रोड कहा जा सकता है। रफ रोड को हम उबड़ खाबड़ भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में इस रफ रोड को, उबड़ खाबड़ को यह संकेत दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये संकेत दिया जाता है, आपको ध्यान से देखना है। ये डेंजरस डिच आ गई, डेंजरस डिच यानी खतरनाक खाई हो जाएगी। यहां पे एक कार चल रही है और बजरी उछल रही है, मतलब कि लूज ग्रेवल, यानी कि ग्रेवल सड़क आगे है, यानी कि आगे जो ऐसी सड़क है जहां पर बजरी पड़ी है और आपकी गाड़ी गिर सकती है, आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड है, फिसलन सड़क यानी कि स्लिपरी रोड, यानी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो मतलब गाड़ी फिसल रही है। यहां पर क्या है,
स्लिपरी रोड बिकॉज आइस, यानी कि बर्फ के कारण, यानी कि बर्फ के कारण फिसलन सड़क यहां पे दी गई है। यहां पे आप क्या देखते हैं, ओपनिंग और स्विंग ब्रिज, जो ब्रिज का जो होता है, ब्रिज होता है यहां पर ओपनिंग और स्विंग, यानी बंद करना चालू करना, ब्रिज ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप इसको कह सकते हैं। यहां पे दो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब कि यहां पे क्या है, प्ले ग्राउंड अहेड, यानी कि सामने क्या है, खेल का मैदान है। यहां पे क्या है, यह हमने देख लिया, ये क्या है, एक मतलब कि इस टाइप्स का करके मोटा सा, मतलब कि हाई वोल्टेज करंट लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन आपके माथे से ऊपर जा रही है। यहां पे क्या है, कार एक पानी सा दिख रहा है, ऊपर नीचे ऐसे पानी पानी सा, इस पानी में कार गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब क्या है, यहां पे क्वे साइड और रिवर बैंक, यानी कि आपका घाट सड़क हो सकती है, नदी मार्ग हो सकता है। अगले संकेत पे चलते हैं, यह आपके आया है बैरियर, यानी कि अवरोधक आपके आगे आया है। यहां पे क्या है, टनल अहेड, टनल अहेड का मतलब होता है सुरंग आगे है। यहां पे क्या है, ट्रामा क्लोजिंग, ट्रामा एक प्रकार की ट्रोलियां होती है, एक वाहन के आगे ट्रोली ट्रोली ट्रोली, मतलब कि लगातार क्या जुड़े रहती है, ऐसे ट्रोलियां जुड़ी रहती है, और ट्रामा ट्रोलियां इसको कहते हैं, यानी कि एक प्रकार की रेल बस होती है। क्या है, एक प्रकार की रेल बस होती है, यानी जिस प्रकार से रेल चलती है उसी प्रकार से ट्रामा बस है वो चलती है, और ट्रामा बस भी किससे चलती है, लाइट से या इंजन से चल सकती है। तो ये होता है ट्रामा, ट्राम, ट्राम कह सकते हैं, ट्राम्स कह सकते हैं, ट्रामा कह सकते हैं। यहां पे क्या है, सडन वाइंड, सडन साइड वाइंड, अचानक हवा की दिशा के बारे में बताता है। फेरी, फेरी यानी कि नाव होता है। फॉलिंग रॉक्स, रॉक्स होता है चट्टान, मतलब कि चट्टान गिरने के बारे में बता रहा है। यहां पे देखते हैं मवेशी, केटल क्रॉसिंग, यानी मवेशी क्रॉसिंग सड़क यहां पे बनाई गई है। यहां पे गाड़ियां दिख रही है, गाड़ियों की कतार है। क्वेजीज लाइकली अहेड, यानी आगे क्या है, कतार वाली लाइनें हैं, यहां पे आगे वाहन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। यहां पे एक ट्रेन दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, और यहां पे एक रेखा और दूसरी रेखा आ रही है, मतलब एक रेखा का मतलब 100 मीटर, दो दूसरी रेखा का मतलब 200 मीटर। तो यहां पर ट्रेन दिख रही है, मतलब रक्षा नहीं है, मतलब कि अरक्षित, अरक्षित रेलवे क्रॉसिंग कितनी दूर है, 200 मीटर है, यही हो जाएगा अरक्षित, अरक्षित रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर हो जाएगा। ये लाल वाली जो रेखा है ना, ये एक होती है तो 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है, और दो होती है तो 2 का 200 होता है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, यहाँ पे एयरपोर्ट दिख रहा है, हवाई जहाज दिख रही है, मतलब कि एयरपोर्ट के स्थान को इंडिकेट करता है। यहाँ पे क्या, एक हिरण है, मतलब कि विल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर का स्थान। यहाँ जो सड़क है, यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एक जाली सी बनी हुई है, जाली बनी हुई है, और दोस्तों इसमें भी जाली बनी हुई है, और यहाँ पर दो रेखा है, 2 का मतलब 200 और 1 का मतलब 100 होता है, आप सभी को पता है। तो 100 का मतलब कि रक्षित रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की दूरी पर है। यहां पे क्या देखते हैं, रक्षित रेलवे क्रॉसिंग, रक्षित रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पे है। ये आप क्या देखते हैं, ये चेवरोन, CHEVRON, चेवरोन, यानी कि ये होता है आपका जो मोड़ होती है सड़क पे, उस मोड़ पे लगाने के लिए आपको ध्यान देना है। आपके सामने दो संकेत होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ये तो आपके हो गया ए, एक आपके मैं यहां इधर से बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने, और इसको कहेंगे बी, ये बी है आपकी सड़क है सामने। दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, माना कि ऐसे घूम रही है। अब आपको बताना है इस प्रकार जो घुमाव होता है, इस घुमाव में आप इन संकेतों में से किस संकेत का प्रयोग करेंगे। इन संकेतों में आपको दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर ऐसी मोड़ है, ऐसी मोड़ है तो आप क्या करेंगे, इधर है तो यहां पर आप जिधर मतलब कि मोड़ जा रही है उधर ही आपका घुमाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो तीर जा रहा है इस तीर की दिशा में इसका जो तीर का निशान है वो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जहां गोलाई की बाहरी जो आउटर मार्ग है, यानी कि अगर इधर जा रहा है तो यहां लगाना है, और अगर इधर जा रहा है तो आपको यहां पे लगाना है, मतलब कि हमेशा मोड़ के आउटसाइड में लगाना है, आउटर यानी बाहरी जो भाग होता है मोड़ का, बाहरी भाग में लगा होता है। यहां पे क्या है, ये डबल चेवरोन है, ये ट्रिपल चेवरोन है, यानी ये कहां लगाए जाते हैं, तो ये वहां लगाए जाते हैं, माना कि कोई मार्ग है, ये मार्ग है, यहां से एक मार्ग यहां से ऐसे फंट गया, एक यहां से ऐसे फंट गया, एक मार्ग आपका यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग है साथियों, यहां पे क्या होगा, यहां पे संकेत बना होगा,
यह इस संकेत इसका बात का सूचक होता है कि अगर आप इधर जाते हैं तो यहां से सुरक्षा करनी है, इधर जाते हैं तो दोस्तों यहां से रक्षा करनी है। मतलब दोनों ओर क्या है, डिवाइडर है, तो इन डिवाइडर से अपने आप को बचाना है। और ये दोस्तों एक प्रकार का चेवरोन संकेत होता है और यहां पर इन मार्ग के डिवाइडेशन के बारे में बताता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर पुलिस स्टेशन, सभी जानते हैं पुलिस स्टेशन हो जाएगा, एक आदमी पुलिस वाला सा दिख रहा है और इसके ऊपर सर पे टोपी भी है साथियों, और एक मतलब कि बनाया बनाया आदमी दिख रहा है। यहाँ पे रिपेयर फैसिलिटी, एक मतलब औजार दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर फैसिलिटी, रिपेयर स्थान या सर्विस कह सकते हैं, सर्विस स्थान, गाड़ी की सर्विस के लिए क्या है, जगह है, ठीक है, जगह होती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, क्या है, एक मतलब कि बिल्डिंग सी बनी हुई है और वहाँ से धुआं सा निकल रहा है, तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखते हैं रिक्शा स्टैंड, साइकिल है, रिक्शा स्टैंड यानी कि रिक्शा स्टैंड, ये क्या हो जाएगा, रिक्शा स्टैंड हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन या मोनो रेल स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन आपको कॉमन रूप से इसको कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, पिकनिक साइट है, यानी कि यह है जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आप भी गए होंगे, कहाँ गए हैं आप, हाल ही में लास्ट बार में कहाँ पिकनिक के लिए गए हैं, पिकनिक स्थान, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगली स्लाइड आ चुकी है, टैक्सी स्टैंड यानी कि टैक्सी के लिए स्थान है, टैक्सी स्टैंड क्या हो जाएगा, टैक्सी स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, होम जोन यानी गृह क्षेत्र, गृह क्षेत्र हो जाएगा, यानी यहाँ पे लोग निवास करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं। या आपका एयरपोर्ट हो जाएगा, ये एयरपोर्ट हो गया। यहाँ पे क्या देखते हैं, गोल्फ कोर्स, यानी गोल्फ का क्या है, गोल्फ जो खेल का मैदान होता है, गोल्फ मैदान हो जाएगा, सामने क्या है, गोल्फ के लिए मैदान है। यहाँ पे कैंप साइट, यहाँ पे देखो एक त्रिभुज में ऐसा बना गया है, त्रिभुज में ऐसे करके दोनों को बाहर निकाला गया है, ये क्या है, ऐसे डबल साइड में है, ऐसे है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैंप साइट यानी कि यहाँ पर सुविधा स्थान है, सुविधा स्थान, आप इसको सुविधा स्थल बोल सकते हैं, सुविधा स्थल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑटो रिक्शा स्टैंड, यानी कि जो ऑटो रिक्शा है उसको खड़ा करने के लिए, ऑटो रिक्शा का जो स्टैंड है जहाँ से यात्री क्या करते हैं, रिक्शे में बैठते हैं और उतरते हैं, तो ऑटो रिक्शा क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेशनल हेरिटेज, विश्व विरासत के जो स्थान होते हैं, विश्व विरासत के स्थान को बताया जाता है, जो यूनिक जो हमारे बिल्डिंग्स होती है उनको विश्व है, जो आपकी विरासत होती है इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल हेरिटेज है, विश्व विरासत नहीं है, राष्ट्रीय विरासत है, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय विरासत यहां हो जाएगा। नो थ्रू रोड यानी कि मार्ग ऊपर जा रहा है और सामने रेड कलर में लाइन है, मतलब कि आगे क्या है, नो थ्रू रोड, आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, ठीक है। यहां पे आप क्या देखते हैं, टोल रोड एड यानी कि आगे टोल सड़क है, टोल सड़क क्या है, आगे टोल सड़क है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कंट्री बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया बनाया गया है, डॉट 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 भी है, यहाँ पर मतलब कि कंट्री बॉर्डर, देशीय सीमा इसको कहा जा सकता है, या राष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, गाइड साइन ऑन टोल लेन पोर्टल, यानी कि ये साइन जहाँ पे लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपको जब आप टोल नाके पे जाते हैं तो टोल देने के लिए यहाँ पे टोल के लिए गाइड करता है कि आपको वाहन कहाँ ले जाना है। एक है नो थ्रू साइड रोड, यानी साइड रोड नहीं, साइड में क्या है, साइड में रोड नहीं है, साइड रोड नहीं हो जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं साथियों। यहाँ पे अगली पेज पे चलते हैं। यहाँ पे चलो एक संकेत, हाँ ये टोल रोड ये रह गया, एक हमने छोड़ दिया इसको, टोल रोड एहड ये देख लिया हमने। ये संकेत क्या है, इसमें देखो एक आदमी है, आदमी का हाथ है, हाथ में सिक्के पड़े हैं, मतलब भैया टोल दे दे, क्या है,
टोल दे दे तभी गाड़ी चलाना, ये टोल रोड के बारे में इंडिकेट करता है साथियों, ठीक है। तो यहां पर देखो एक आदमी है, आदमी के हाथ है, हाथ में सिक्का है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, यहां पे एंट्री रैंप फॉर एक्सप्रेसवे, यानी कि दो मार्ग बने हुए हैं, दो मार्ग बने हुए हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, और यहां से क्या है, यहां से ऐसा एरो जा रहा है, मतलब कि ये ऐसे वो जो एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री के लिए जो मार्ग होता है वो रैंप होता है, उसके लिए होता है। ये क्या है, एग्जिट रैंप एक्सप्रेसवे, यानी कि एक्सप्रेसवे पर, एक्सप्रेसवे से बाहर निकलना, इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेसवे से, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे से बाहर निकलना, बाहर निकलना। ये लो, अरे ये जो दूसरा वाला है वो क्या है साथियों, यहां पे हो जाएगा एक्सप्रेसवे में प्रवेश, एक्सप्रेसवे में प्रवेश, एक्सप्रेसवे में, ये हो जाएगा वे में प्रवेश, प्रवेश मार्ग, ठीक है। तो यहां पे रैंप होता है, यहां पे ये क्या है, एक्सप्रेसवे सिंबल, ये एक्सप्रेसवे का चिन्ह है, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे संकेत, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसवे संकेत। ये क्या है, बस स्टॉप है, मतलब बस के रुकने के लिए क्या है, जगह है, मतलब बस स्टॉप हो जाएगा। अगले चित्र पे चलते हैं, यहां पे क्या है, ये मतलब कि बना हुआ क्या है, एक्सप्रेसवे के लिए है, लेकिन काट दिया गया है, मतलब कि एंड ऑफ एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे समाप्त, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसवे समाप्ति, क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेसवे समाप्ति कह सकते हैं। ये क्या है, बस लेन है और ये बस स्टॉप है, दोनों में अंतर समझना है, जिसमें ये रेखा बनी हुई है वो बस लेन होगी, जिसमें रेखा नहीं बनी हुई है वो बस स्टॉप होगा। तो ये बस स्टॉप हो गया, यहां पे क्या हो जाएगी, बस लेन हो जाएगी, बस लेन, ये हो गई बस लेन। अब थोड़े संकेत बच्चे हैं, सारे संकेत ही हम पर हम सीखने वाले हैं। आगे है कॉन्ट्रा फ्लो बस लेन, यानी कि केवल और केवल किसके लिए है, केवल बस के लिए नियंत्रित लेन, बस के लिए, बस के लिए, बस के लिए लेन, हम कह सकते हैं ये बस के लिए क्या है, बस के लिए नियंत्रित लेन है, नियंत्रित, नियंत्रित लेन हो जाएगा बस के लिए, ठीक है। यहां पे क्या है, आप यहां पर देखते हैं दो एरो जा रहे हैं, एक एरो दो एरो, साम यहां पे क्या है, साइकिल है, एरो नीचे जा रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रा फ्लो साइकिल लेन, केवल साइकिल लेन, साइकिल के लिए नियंत्रित है, कॉन्ट्रा का मतलब है नियंत्रित, साइकिल के लिए, साइकिल के लिए नियंत्रित मार्ग, नियंत्रित मार्ग, क्या कह सकते हैं, नियंत्रित मार्ग। काफी कंफ्यूजेबल है लेकिन सीखना पड़ेगा। यहां पे क्या है, इमरजेंसी एग्जिट, यानी आपको आपातकाल में बाहर निकलना होता है, आपातकालीन बाहर निकलना, आपात में बाहर निकलना, आपात में बाहर निकलना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगले चिन्ह पे चलते हैं, साइकिल लेन, ये एक चौकोर आकृति है, एक साइकिल बनी हुई है, एक सफेद पट्टी है, जहां पे दोस्तों यहां पे पट्टी दिख जाए इसका मतलब लेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइकिल लेन, ये लो साइकिल लेन, साइकिल लेन। यहां पे क्या है, होलीडे चैलेट्स, यानी कि होलीडे, यहां पर होलीडे चैलेट्स को कहा जाता है, ये आपका इमरजेंसी एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आपातकालीन एग्जिट। ये एक तो क्या है, ये आपके लेफ्ट साइड में है और ये क्या है, राइट साइड में है, इतना फर्क है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं पार्किंग, यानी कि यह हो जाएगा पार्किंग, ये किसका स्थान है, पी यानी क्या होता है, पी यानी पार्किंग, ये क्या है, साइकिल पार्किंग, यानी कि साइकिल पार्किंग, ये हो जाएगा साइकिल पार्किंग। काफी अच्छे संकेत दिए हुए हैं, सभी को आपको ध्यान से समझना है। यहां पे क्या है, मोटरसाइकिल या स्कूटर बनाया हुआ है और आपके पी बनाया गया है, मतलब कि एमसी या स्कूटर, स्कूटर के लिए क्या हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, पार्किंग, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं आशा करता हूं। आगे देखते हैं, यहां पे एक रिक्शा बनाया हुआ है और ऑटो रिक्शा पार्किंग और पी बनाया गया है, मतलब कि ऑटो रिक्शा के लिए क्या हो जाएगा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा पार्किंग, क्या हो जाएगा, ऑटो रिक्शा पार्किंग हो जाएगा। यहां पे क्या देखते हैं, साइकिल रिक्शा पार्किंग, यानी कि साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, साइकिल रिक्शा पार्किंग हो जाएगी। अब साइकिल और साइकिल रिक्शा में क्या फर्क होता है,
साइकिल है, वो तीन पहिया जो साइकिल होती है उसे दोस्तों साइकिल रिक्शा बोला जाता है। तो पी एन क्या हो जाएगा, पार्किंग हो जाएगा, ये समझना है। यहाँ पे कार है और टैक्सी पार्किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सी पार्किंग, टैक्सी पार्किंग। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये टैक्सी पार्किंग हो गया, सीधा स्पष्ट दिख रहा है सभी में पी है, साइकिल है तो साइकिल, पार्किंग केवल पी केवल पार्किंग, रिक्शा दिख रहा है तो ऑटो रिक्शा, आपके साइकिल दिख रही है तो साइकिल रिक्शा, टैक्सी दिख रही तो टैक्सी पार्किंग, और आपके मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल पार्किंग। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, पार्क एंड राइड, यानी कि पार्क करें या सवारी करें, यहाँ क्या है पार्क एंड राइड, यहाँ पर भी पार्क एंड राइड, राइड का संकेत है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कीप क्लियर, कीप क्लियर मंडे टू फ्राइडे, ये एक शेड्यूल्ड यानी कि कुछ एक निर्धारित समय के लिए आपको क्या है यहाँ पर, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे के लिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक गोल आकृति में चिन्ह बनाया गया है, एक ऐसा संकेत बनाया गया है, मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, यहां पर आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है। इस प्रकार से ये आपका फ्लड गेज है, यानी फ्लड गेज जो आपका बताता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये है आपके इंटरनेशनल सिंबल फॉर एक्सेसिबिलिटी, यानी ये किसके लिए है, साइन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, असक्षम असक्त जो या शारीरिक विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए सुविधा के संकेत होते हैं। इसका मतलब है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधा दी गई है, जैसे यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन पार्किंग इंफॉर्मेशन, ये पार्क कर सकते हैं अपने वाहन को, यहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पर भी पी है, एरो का निशान, यहाँ पे एरो का निशान इधर है, यहाँ पे एरो का निशान इधर है, और यहाँ पे दोनों साइड में एरो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, रैंप्ड एंट्रेंस, यानी कि जो आपके जो विकलांग व्यक्ति होते हैं इनके वाहन को जाने के लिए रैंप, यानी कि थोड़ा सा किसी भवन में या मकान में जाने के लिए रैंप बनाया गया है, तो रैंप के बारे में बताया गया है। अगली स्लाइड चलते हैं, तो यहाँ पर टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन फैसिलिटी किसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, यहाँ पर भी टेलीफोन का ही है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, टॉयलेट फैसिलिटी है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, केवल किसके लिए है, डिसेबल के लिए। ये जो संकेत आपको दिखता है साथियों, ये डिसेबल पर्सन के लिए होता है। ये क्या है, वे फाइंडिंग, वे फाइंडिंग यानी रास्ता खोजने के लिए ये चिन्ह संकेत होता है, यहां पर आपको रास्ता खोजने में मदद मिलती है। ये क्या है, आपके स्टेट हाईवे, ग्रीन आपका इसका बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, ग्रीन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइन। ये क्या है, एशियन हाईवे रूट मार्कर साइन, ये आपके नेशनल हाईवे का हो जाएगा, जो आपके येलो कलर में है, येलो कलर में, ये किस में है, आपके येलो कलर में हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये आपके है एक्सप्रेसवे रूट मार्कर साइन, जो कि इसमें किस में है, ब्लू कलर में, गहरा ब्लू कलर में यहां पे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट में ग्रीन, आपके नेशनल में येलो, और एक्सप्रेसवे में ब्लू साइन होते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं, यहां पर आपको इस मैप के माध्यम से यह बताया गया है कहां पर कौन सा संकेत काम में आ सकता है। यहां पे क्या है, चारों ओर से ये मतलब कि ये रोड आ रही है, तो यहां बीच में एक चक्कर बनाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, राउंड अबाउट के नाम से जानते हैं, और ये एक राउंड अबाउट का चौराया है, यहां पर भी बनाया गया है, यहां पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। यहां पर कीप लेफ्ट का संकेत है, देखो गोल आकृति है, कीप लेफ्ट का संकेत यहां पर दिया गया है। आगे चलते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं एक सीधा मार्ग है, यहां पे पेडेस्ट्रियन है, यहां भी पैदल पार पथ के लिए सड़क है, तो आप यहां पर देख सकते हैं पैदल यात्री का संकेत, यहां पर भी पैदल यात्री का है, यहां पर भी स्कूल के बच्चों का जैसा संकेत है, और यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर भी आप स्कूल के बच्चे देखते हैं, रंबल स्ट्रिप लगी हुई है, स्पीड लिमिट दिखाई गई है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंड का संकेत आया है, यानी कि जो रोक समाप्ति चिन्ह है यहां पर भी आया है, यह गति सीमा, रंबल स्ट्रिप, ये मतलब कि डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे स्टॉप संकेत है साथ में, देखो यहाँ से मार्ग आ रहा है, ये मुख्य सड़क है, तो यहाँ मुख्य सड़क पर आएंगे तो यहाँ पे एक स्टॉप का संकेत है, यहाँ पर आपको रुकना होता है ट्रैफिक लाइट के समय। यहाँ पे क्या है, एक मोटी सड़क है, ये छोटी सड़क है, मतलब सामने जो आ रही है ये एक मोटी सड़क आ रही है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये यहाँ से एक लेन है, ये एक लेन यहाँ जा रही है, यहां जाते जाते एक इधर जा रही है, एक इधर भी मुड़ रही है, तो यहां पर दोस्तों इस स्थान पर दोस्तों ये आपके चेवरोन का संकेत लगाया जाएगा, जो ये ड्यूल विद चेवरोन का संकेत है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी क्या है, ये संकेत यहां पे लगेगा, मतलब कि ये मार्ग है दो भागों में बंट रहा है।
तो इस प्रकार से आप इन संकेतों के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। यहां पर भी देख सकते हैं संकेतों को कि किस प्रकार से इनको माउंट किया जाता है, कहां पर लगाया जाता है। तो साथियों यहां पर आज की इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आपको रोड के संकेतों के बारे में कितनी अच्छी जानकारी मिली, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये संकेत अब आपको, इन संकेतों को देखने के बाद में IRC के जो संकेत होते हैं उनमें एक भी संकेत नहीं बचता है। IRC के जो संकेत हैं सारे के सारे टोटल कंप्लीट मैंने साइन आपको दिखा दिए हैं, अब इनके अलावा कोई भी जो संकेत है दोस्तों नहीं बचता है, कोई भी संकेत शेष नहीं है। साथ ही मैं बता देता हूं अगर आप DP ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं DP ड्राइवर, तो दोस्तों आप हमारा जो क्रेश कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेश कोर्स है साथियों कहाँ चल रहा है, क्रेश कोर्स चल रहा है Study@Home ऐप के ऊपर। Study@Home जो मोबाइल ऐप है इसके ऊपर क्रेश कोर्स चल रहा है, और मात्र 15 घंटे में क्या होगा, पूरा कोर्स हो जाएगा आपका। पूरा कोर्स इसमें हम करवाएंगे। इस पूरे कोर्स में साथियों यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, वीडियो मिलेगी, वीडियो प्लस PDF आपको नोट्स है उनकी मिलेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसी कोई एक रोचक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।